दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सैनी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बात करते हैं खगड़िया जिला की, जहां पर चौथम प्रखंड के नए छात्र राजद के अध्यक्ष बने अटल कुमार। हम आपको बता रहे थे कि रविवार के दोपहर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष गुंजन कुमार उर्फ गुड्डू यादव ने अटल कुमार को छात्र राजद के हितों में कार्य को देखकर उसे प्रमाण पत्र देकर चौथम प्रखंड का अध्यक्ष मनोनीत किया, जिसके उपरांत दर्जनों कार्यकर्ता ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नौरंगा गांव में, जिसमें उपस्थित डीसी यादव पंचायती राज प्रखंड थे, अध्यक्ष के रूप में चौथम राजद डॉक्टर राजा कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष राजद के आदित्य यादव, प्रखंड सचिव राजद के विकास कुमार, पिंटू मिथिलेश यादव, ग्राम रक्षा दल प्रखंड अध्यक्ष चौथम के सुबोध पासवान, राहुल कुमार, प्रिंस कुमार, अभिषेक बच्चन, विक्की डॉन, चंदन, कार्तिक पटेल, रोशन, संतोष, फंटूस, सोनू इत्यादि, ये लोग अटल कुमार के अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के मौके पर मौजूद रहे और इन्होंने इस बार युवा सरकार बनाने के लिए तेजस्वी को अपना नेता चुन लिया है और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर देश का किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री युवा हो तो रोज़गार लाने का काम ज़रूर होगा। इसी को देखते हुए अटल कुमार और उनके साथी ने देश में युवा सरकार बनाने की घोषणा करते हुए सभी को साथ मिलाकर चलने का वादा किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अटल कुमार को आप चाहते हैं तो कमेंट करें, अगर चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस बार की सरकार राजद की सरकार बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद।